स्वतंत्रता सेनानी अधिवक्ता और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले केदारनाथ तिवारी के आज जो यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे सर? पहले ये बताएं। ये हमारे पीछे ससुर स्वर्गीय केदारनाथ तिवारी जी अपने इलाके के सबसे पहला ग्रेजुएट है। अपने जमाने में उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से लॉ किया, वहीं प्रैक्टिस किया और उसके बाद यहाँ आने के बाद आरा में उन्होंने, आरा कोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस किया। इसके पहले जब हमारे देश पे अंग्रेज शासन कर रहे थे उस समय कलकत्ता में उन्होंने सक्रिय रूप से अंग्रेज के खिलाफ देश के नौजवान को जागृत करने का नाम, उस समय आनंद बाजार पत्रिका हुआ करता था, आनंद बाजार पत्रिका हुआ करता था, उसके प्रमुख के साथ मिलके उन्होंने संघ का संचालन किया था। संघ जो युवा संघ था उस समय, शायद युवा वाहिनी था, शायद मुझे याद हो जैसा कि मुझे बताया गया। और वहाँ से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के बाद वो फिर अपने पैतृक गांव यानी बिशनपुरा आए और बिशनपुरा में उन्होंने लोगों के लिए, लोगों के प्रति, जो जन भावना के प्रति कई केस तो उन्होंने अपने, जब वो यंग थे तो बिना पैसे के लड़े थे, बिना पैसे उन्होंने नहीं लिया और कई केस उन्होंने, आज भी उनके साथ जो यहाँ के वकील हैं बार एसोसिएशन के, वो लोग आए थे लक्ष्मी नारायण सिंह, सब लोग काफ़ी तारीफ कर रहे थे उनकी ईमानदारी की, तो ईमानदारी के जीते जागते सबूत थे। और अपने जीवन में उन्होंने कभी भी किसी से एक पैसा नहीं लिया, बड़े खुददार किस्म के इंसान थे। इवन कि अपने भाई लोग से भी उनको बेटा नहीं है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ थे ये सब, तब भी उन्होंने कोई गिला शिकवा नहीं रखा और अपने कार्य को करते रहे। और उसके बाद जीवन के कुछ पड़ाव में थोड़े से वो खामोश हो गए थे, जैसे उनको लगा, उनकी वो घटना तो मुझे पता नहीं क्यों, और फिर वकालत भी उन्होंने छोड़ दिया था। आपकी फैमिली पूरी बाहर रहती है और आज आप, मतलब कि आप तो खुद बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, और इस तरीके से एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन करना, साथ में वीरांगनाओं को सम्मानित करना और एक मार्ग का आज जो उद्घाटन हुआ है अवधेश नारायण सिंह ने किया है। मुझे एक, जब मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर होने वाले थे, मेरी वाइफ आ गई, यहाँ आ गई पहले, और हम लोग गांव में इतने दिन कभी जीवन व्यतीत नहीं किए, लेकिन मेरे अंदर ये था कि इस कार्य को मुझे करना है। और हम जब ही उनका, जब वो नहीं रहे इस दुनिया में, तो हम सेम डे फ्लाइट से आ गए। आने के बाद उनको पारंपरिक ढंग से, जो इस गांव बिशनपुरा के जितने लोग जो मुझे एडवाइस किए, हमने किया। और मेरे अंदर एक ऐसा था कि यहाँ के यूथ बहुत अच्छे हैं तो उनके लिए कुछ मैसेज दिया जाए, तो हमने सोचा कि वो तो श्राद्ध सभी जगह होते हैं, सभी लोग करते हैं, बट हमने सोचा कि ये काम ऐसा किया जाए कि एक यूथ में लोगों के में मैसेज जाए। मुझे लगा कि देश के जो सिपाही हैं, देश के जो लोग हैं जिस पे हम सब नाच करते हैं, गर्व करते हैं, उनको सम्मानित किया जाए, उनके संस्था को सम्मानित किया जाए। उसके बाद मेरा विचार आया कि संस्था के बाद जो यूथ जो आगे बढ़ने वाले हैं उनको सेलिब्रिटीज जो आ रहे हैं उनसे सम्मानित किया जाए। ये कोई सांस्कृतिक कार्य हमने नहीं रखा था, कार्यक्रम गाने का नहीं, ये सब पूरे भक्ति में और उनके श्रद्धा में जो किया गया कार्य उसके प्रति एक प्रेरणा था। जैसे आप पत्रकार आए, आर्मी आए, देश के नौजवान आए और हमारे सभापति आए, तो हमारे अंदर चल रहा था कि कुछ ऐसा कार्य इस गांव के लिए किया जाए, अपने ससुर के लिए किया जाए कि पूरे जीवन, पूरे जब तक दुनिया है तब तक उन्हें याद रखा जाए। तो मेरे माइंड में आया कि क्या करना चाहिए, तो हमने सोचा कि मार्ग यदि होता है, इस गांव को यदि वो देते हैं तो बड़ी उपलब्धि होगी। हमने कोशिश की, पूरे गांव के सहयोग से संभव हो सका। इसके लिए आप मीडियाकर्मी को भी और हमारे पॉलिटिशियन को भी, बड़े ऑफिसर एक आए हुए पीएमओ के, वो बड़े बिजनेसमैन आए हैं, और भी बहुत सारे, संजय राय जी आए थे यहाँ, एक ऑफिसर पटेल जी हैं यहाँ, थाईलैंड के एक बड़े बिजनेसमैन मेरे साथ आए हुए हैं, उनके साथ हम बिजनेस करते हैं, और हम लोग बिजनेस करते हुए भी
कुछ लोग इधर के काम भी हमारी कंपनी में करते हैं, पूरी पूरी जो सनातन सिस्टम है उसको वहाँ जीवित रखे हैं। गांव के युवाओं के लिए कुछ करेंगे क्या? गांव के युवाओं के लिए हमने कई दफ़ा मतलब एक प्लान है कि यहाँ इंडस्ट्री हो, बट बिहार में थोड़ी सी एक व्यवस्था नहीं है, लैंड की इंडस्ट्री की व्यवस्था नहीं है, तो इंडस्ट्री डालने का था। और यूथ को हम चाहेंगे कि कुछ यूथ जिन्हें पैसे की कमी हो, किसी चीज़ की कमी हो, तो उनको मेरे तरफ से योगदान हो और आगे बढ़े। ऐसे पत्रकार आप लोग को चाहिए कि ऐसे युवा जो काफ़ी स्पोर्ट्स में हो, पढ़ने में हो, उनको आर्थिक तंगी की कोई मुश्किल हो, तो आप मुझे डायरेक्ट हम बिजनेस कार्ड दे देंगे, आप बताइए, हम मदद करेंगे। युवा के ऊपर ही हमारा सब कुछ है, युवा है तो हम सब हैं। तो हम चाहेंगे कि इस युवा को जो प्रेरणा होता है, रोल मॉडल होता है सक्सेस लोग, तो जब से हम आए हैं पूरे युवा जितने यूथ हैं सब यहीं रहते, तो इनके लिए जो एक भावना है, ऐसे तो हमारी कंपनी में हमेशा 100-200 लोग हमेशा ज्वाइन करते रहते हैं, तो इस इलाके के जो लोग जाएंगे ऑलवेज वेलकम है। उसके अलावा यदि लोकल लेवल पे भी उनको चाहिए तो हमारे बिजनेस पार्टनर गाजीपुर में बहुत बड़ा फोरम, यूथ फोरम चला रहा है, तो उसमें भी वहाँ पे बहुत रोज़गार है, वहाँ भी हम क्रिएट करवाएंगे, वहाँ भी मेरा पार्टिसिपेट है। हम लोग माइनिंग में हैं, स्टील में हैं, गोल्ड में हैं, ट्रेडिंग में हैं, और वर्ल्ड में हमारा 4-7 5-7 जगह पे हमारी ऑफिसेज हैं। और यहाँ पे काम करने के तरीके जो हमारा है, जो काम करने के सिस्टम है, जैसे नवीन जिंदल, वो मेरे दोस्त हैं, जिंदल पावर एंड स्टील, सो उनके साथ हमने बहुत सारे एसोसिएशन है। शेख जो है दुबई का और ओमान का, वो रॉयल फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन है और अच्छे बिजनेस एसोसिएट करते हैं। अभी थाईलैंड वाले लोग हैं, उनके साथ हमारा ज़बरदस्त ट्रेडिंग है। सो इतने जो लोग यहाँ आए हैं, या बहुत लोग मिस हो गए, नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि एक रूरल एरिया है, फ्लाइट का कम नहीं, बट निश्चय यदि खुशी का कोई मौका हुआ, आप पत्रकार, आप पूरे लोग कुछ चाहें यहाँ भरा करना, तो वो पूरा स्पॉन्सर बाई मी, हम डेफिनेटली आई लव टू डू इट, तो हम जरूर करें। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच।